हेलो आई अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद हैदराबाद। सो जी बच्चों, आप मैथमेटिक्स समझते आ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम आज की क्लास में जो मैथ समझेंगे, मैथ समझना कंटिन्यू रखना चाहते हैं, आज की क्लास में जो समझेंगे वो आपके सामने स्क्रीन पे 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 समझिए। सही, तो रेडी हो जाएं समझने के लिए, कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें ताकि चीज नोट भी करते जाएं एंड फुल्ली कंसंट्रेशन से समझें ताकि हर चीज समझ में आए। मेन चीज है क्वेश्चन को समझना। जैसे थ्योरी के लिए स्टेटमेंट लिखी हुई है, उस थ्योरी के लिए स्टेटमेंट को हम रीड आउट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड समझेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, तो कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करेंगे तो जरूर समझ लेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन कह रहे हैं दैट पीएच टर्म ऑफ एन एच की हार्मोनिक प्रोग्रेशन के मुताबिक पीएच टर्म जो है वो क्यू है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। द क्यूएच टर्म इज पी, पीएच टर्म की वैल्यू क्यू है एंड क्यूएच टर्म की वैल्यू पी है, दैट प्रूव्स दैट पी प्लस क्यूएच टर्म जो उसकी वैल्यू ये है। अगर कह रहे हैं कि पी पीएच टर्म की वैल्यू दे रहा है क्यू एंड क्यूएच टर्म की वैल्यू दे रहा है पी, प्रूफ जो कर रहा है वो पी प्लस क्यू टर्म की जो वैल्यू आनी चाहिए वो कह रहा है ये वैल्यू आए। सही, ये सारे टर्म जो प्रोसेस है हार्मोनिक प्रोग्रेशन के मुताबिक बता रहा है। सही, तो प्रूफ दैट करना, तो सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे यहां पर, प्रूफ लिखेंगे। अब जो गिवन है वो डेटा पहले बना रहे हैं, पी टर्म की वैल्यू गिवन है इक्वल टू क्यू एंड क्यू टर्म की वैल्यू जो वो है पी, ये दोनों जो वैल्यूज है इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन के मुताबिक है। ठीक, एंड देन टू प्रूव दैट, जो प्रूव करना है वो प्रूव ये करना है पी प्लस क्यूएच टर्म की जो वैल्यू है वो हमें मिले पी क्यू डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू, ये मिले। जो क्वेश्चन में गिवन है उसको हमने मैथमेटिकली फॉर्म में लिखा। Okay, बच्चों आई बात समझ नहीं आता। ठीक, अब अभी चीज में होनी, जहन में चीज एक होनी चाहिए कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन के प्रॉब्लम्स में जो भी टर्म्स गिवन है उसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है या प्रूव भी करना है, तो उन वैल्यूज को हम रेसिप्रोकल करेंगे ताकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाए एंड देन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हार्मोनिक का प्रॉब्लम कोई भी है तो सॉल्व करने के लिए टर्म्स को हम रेसिप्रोकल करेंगे, अर्थमेटिक में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड बाकी अर्थमेटिक में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो देखिए मैं कह रहा हूं सेंस, अब इन वैल्यूज को हम कन्वर्ट करेंगे तो पी एच टर्म की वैल्यू जो गिवन है क्यू उसको रेसिप्रोकल करेंगे 1/q एंड क्यू एच टर्म की वैल्यू जो है पी उसको भी रेसिप्रोकल करेंगे 1/p। अब ये रेसिप्रोकल करने के बाद हो गए इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। ये समझ में आएगी। ठीक, अब सिंपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स कन्वर्ट हो चुके हैं, अब अर्थमेटिक के हिसाब से सॉल्व करेंगे टर्म्स को। पहले पी टर्म एंड क्यू टर्म दोनों को करेंगे इवैल्यूएट, इवैल्यूएट करेंगे मतलब ये कि एपी का जो nth टर्म है जनरल फार्मूला है वो फार्मूला यूज करेंगे, टीपी एंड टीक्यू टर्म को इवैल्यूएट करेंगे एंड वहां से वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, सो आइए समझते हैं, सॉल्व करते हैं। एज वी नो एन टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बी इज अ फॉर्मूला ऑफ जनरल टर्म और जनरल फॉर्म ऑफ ए पी। सो आप इसको एवेल्यूएट करेंगे, टी पी को पहले एवेल्यूएट कर रहे हैं फॉर टी पी टी पी एच टर्म। ठीक, सो देखें टी एन की जगह पे पी, ए प्लस एन की जगह पे वैल्यू आ गई पी माइनस वन मल्टीप्लाई बी, आई बात समझ में। सही, टी पी एच टर्म की वैल्यू 1/q, चलो इसकी जगह पे 1/q रिप्लेस किया, ए प्लस डी मल्टीप्लाई करेंगे पी से तो पी डी प्लस ये माइनस है प्लस टू माइनस माइनस sin d मल्टीप्लाई करेंगे वन के साथ 1 × 2 d मींस d, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसको मजीद
कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज समझ में आई, टीपी को वैल्यूट किया, अब टीक्यू को भी वैल्यूट करेंगे सर्मिलरली वे से। देखें क्या हो रहा है, देखे जाए कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है, ठीक है। सो फॉर टीक्यू मैंने क्यू स्टॉप को हमें वैल्यूट करने जा रहे हैं, ठीक है। सो देखिए वो से समझिए तो समझ में आएगा, कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश कीजिएगा। टी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी, सेम ही फॉर्मूला यूज किया मैंने, एन की जगह पर सिंपली क्यू और बाकी रिमेनिंग फॉर्मूला रिमेनिंग है, ओके। अब टी क्यू टर्म की वैल्यू क्या है, क्यू टर्म की वैल्यू इज वन अपॉन पी ए प्लस डी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ क्यू इंटू डी हो गया क्यू डी, ये प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस और प्लस इंटू माइनस प्लस माइनस सेम डी इज मल्टीप्लाई बाय वन डी इंटू वन मीन सी हो गया डी। अब इसको असाइन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू, ठीक आई बात समझ आता। जो दो टर्म्स थे पीथ टर्म एंड क्यू टर्म की वैल्यूज गिवन थी, इन दोनों को इवैल्यूएट किया। अब ये दो इक्वेशंस आ चुकी है, अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली वे से सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली वे से सॉल्व करने का मतलब ये है दोनों इक्वेशंस को आपस में प्लस या माइनस करके हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे या डी की फाइंड करेंगे, पहले एक वेरिएबल कैंसिल करवाएंगे तब दूसरा मिलेगा, ठीक है। तो आइए ये समझते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू वी गेट वन एंड टू इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर वन आपके सामने ये स्क्रीन पे है, वन अपॉन क्यू इक्वल्स टू ए प्लस वन अपॉन क्यू इक्वल्स टू ए प्लस पी डी माइनस डी। इक्वेशन नंबर टू इज वन अपॉन पी इक्वल्स टू ए प्लस क्यू डी माइनस डी। ये दोनों इक्वेशन आपके सामने आए, सही है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना इसका मतलब ये इनमें डी या ए को रिवैल्यूएट करना। आई देखो ए जो एग्जैक्टली सेम है साइन के हिसाब से, कोफिशिएंट भी सेम है, तो मींस कैंसिल कर सकते हैं, माइनस साइन चेंज करेंगे, प्लस और माइनस में माइनस का टर्म तो प्लस में करेंगे, ठीक। अब देखिए वन अपॉन क्यू माइनस करेंगे ये वन अपॉन पी, लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म लेफ्ट हैंड साइड टर्म से प्लस या माइनस, ए प्लस में ए माइनस में कैंसिल हो गया, प्लस पी डी ये माइनस क्यू डी जो साइन चेंज किए वो टेक आउट करेंगे, पी डी माइनस क्यू डी, डी माइनस में डी प्लस में ये भी कैंसिल हो गया, सिंपली एक डी वैल्यू बचा, ओके। यहां तक क्लियर है। अब देखिए इस साइड पे दो फ्रैक्शन में टर्म माइनस हो रहे हैं, फ्रैक्शन में टर्म प्लस या माइनस में तो करेंगे एलसीएम लेंगे, पी मल्टीप्लाई बाय क्यू एलसीएम होगी, ठीक। तो ये वन के डिनोमिनेटर जो था मैं सेम एलसीएम में जो नंबर है उसके साथ डिवाइड करेंगे क्यू को, तो क्यू क्यू में डिवाइड हो जाएगा, सिंपली पी वन मल्टीप्लाई करेंगे वन के साथ, माइनस वन के डिनोमिनेटर में पी है तो एलसीएम जो नंबर पी क्यू उसके साथ डिवाइड करेंगे किसको, पी को, पी पी में डिवाइड हो गया, सिंपली क्यू मल्टीप्लाई हो गया यहां पर, सही है बच्चों, समझ में आई एलसीएम, ठीक है। आगे ही बोलते हैं दोनों टर्म्स में डी कॉमन, तो डी को हम कॉमन ले रहे हैं, बाकी पी माइनस क्यू रह जाएगा, कॉमन टर्म तो कॉमन ले जाएगा, सिंपल हो जाए, डी फाइंड कर सकते हैं आजाद करेंगे। अब वन मल्टीप्लाई पी के साथ पी माइनस वन मल्टीप्लाई क्यू के साथ क्यू अपान में पी क्यू इक्वल्स टू ये डी ब्रैकेट में पी माइनस क्यू, सही ठीक। D की वैल्यू चाहिए, अब D के साथ जो P माइनस टू फैक्टर ब्रेकेट मल्टीप्लाई में है आजाद करना, वो रिमूव करें वहां से, वो मल्टीप्लाई कर साइड में शिफ्ट करेंगे बराबर साइड में आ जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में जो भी फैक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे आ गया मल्टीप्लाई डिवाइड में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ये P प्लस क्यू डिनोमिनेटर जो आया है न्यूमरेटर में एग्जैक्टली वही P माइनस क्यू है, कैंसिल हो गया, so finally value of d is 1 upon p into q, common difference की value ये आपके सामने मौजूद है, okay बच्चों cancellation की बात clear है यहाँ तक, ठीक। d की value मिली common difference की, अब next step क्या है, अब next step ये है कि हम a की value find करें means first term, सही। तो आइए समझते हैं,
सो अब देखिए ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये डी की जो वैल्यू मिली है हमें पुट अप करेंगे डी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय पी इनटू क्यू एंड इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करें या इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करें, हमारे पास ये आंसर सेम मिलेगा दोनों साइड से, तो 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ठीक। सो इक्वेशन नंबर 1 यहां के सामने स्क्रीन पे मौजूद है, मैं लिख दूंगा पहले इक्वेशन नंबर 1 जो भी है वो 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू ए प्लस पी डी माइनस पी, ये है इक्वेशन नंबर 1 ठीक। तो इक्वेशन 1 लिखेंगे ताकि पता चले इक्वेशन 1 है कौन सी, सही है बेटा ठीक। अब देखें 1 डिवाइडेड बाय q इज इक्वल टू a प्लस p मल्टीप्लाई बाय d, d की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 1 अपॉन p इनटू q माइनस d की जगह पर वैल्यू 1 अपॉन p इनटू ओके सिंपली d इज रिप्लेस बाय वैल्यू नथिंग एल्स और कुछ भी नहीं हुआ। अब देखें ये 1 डिवाइडेड बाय q इज इक्वल टू a प्लस p, p में से कैंसिल हो गया बाकी 1 अपॉन में q माइनस ये 1 अपॉन में पी मल्टीप्लाई बाय क्यू रिमेंस है, सही है याद रखिए। अब क्या करेंगे ए चाहिए, ए के साथ ये दो टर्म माइनस से प्लस में यहां से हटा क्योंकि ए को आजाद कर रहा, तो शिफ्ट करेंगे बराबर इस साइड पे 1 अपॉन क्यू, 1 अपॉन क्यू उस साइड पे जो ए के साथ प्लस में है माइनस में आ गया, 1 अपॉन पी क्यू माइनस में है तो साइड पे प्लस में हो गया इक्वल टू ए, सिंपली क्लियर है ये आई पास मत में ठीक है। अब देखिए 1 अपॉन क्यू प्लस में 1 अपॉन क्यू कैंसिल में, सो फाइनली वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय क्यू, फर्स्ट टर्म मींस वैल्यू ऑफ ए मिल गई ओके बच्चों आई पास मत में बेटा क्लियर है यहां तक ठीक है। तो अब क्या करेंगे ये पी टर्म एक यूज टर्म इसलिए दे रहा था कि इन टर्म की हेल्प से हम डी कॉमन डिफरेंस से ए की वैल्यू फाइंड कर सके, फाइंड हो गई अब ये हम प्रूव ये कर रहे हैं P प्लस पी टर्म फाइंड कर रहे ठीक है। आइए वो कैसे समझ करते हैं समझते हैं। नाउ वी फाइंड P प्लस पी टर्म बाय यूजिंग P प्लस पी टर्म फाइंड करेंगे यूजिंग, क्योंकि जो A एंड D की वैल्यू मौजूद नहीं थी तो वो वैल्यू आ चुकी है, फॉर्मूला यूज करेंगे A प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी वाला मल्टीप्लाई बाय डी, डी की जगह पे बना मान में पी इनटू क्यू ठीक, सिंपली वैल्यू रिप्लेस किए। अब देखें इसको सॉल्व करेंगे समझते हैं कैसे सॉल्व होगा क्या आंसर मिलेगा ठीक है। सो देखें ये 1 डिवाइडेड बाय पी क्यू सेम है प्लस 1 अपॉन पी क्यू ब्रैकेट के अंदर तीन टर्म से जो प्लस माइनस और तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले वाला अपॉन पी क्यू मल्टीप्लाई करेंगे p के साथ तो p मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में p इनटू q प्लस ये ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन मल्टीप्लाई करेंगे पहले देन नंबर प्लस इनटू प्लस प्लस हो गया, अब q से मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन p q, सो मींस q मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में p q ठीक, एंड देन ये प्लस की साइन आगे माइनस है तो प्लस इनटू माइनस से माइनस हुआ, अब सेम 1 अपॉन p q मल्टीप्लाई हुआ ये थर्ड टर्म 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन पी क्यू मींस सिंपली 1 अपॉन पी क्यू है ओके बच्चों आई बात समझ में, सिंपली मल्टीप्लिकेशन हुई है ठीक है। पहले साइन थी वो साइन मल्टीप्लाई हुई देन नंबर मल्टीप्लाई किया, अब नेक्स्ट स्टेप सिंपलीफिकेशन है, कैसे सिंपलीफाई करेंगे देखते हैं। सो डी पी प्लस क्यू एच टर्म इक्वल्स टू 1 अपॉन p क्यू प्लस में 1 अपॉन p क्यू ये माइनस में कैंसिल हो चुका है खत्म, बाकी p मल्टीप्लाई 1 अपॉन p क्यू मींस p p में डिवाइड हो गया सिंपली 1 डिवाइडेड बाय q, ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय q प्लस साइन q मल्टीप्लाई 1 अपॉन p क्यू यहां पर q q में डिवाइड हो गया बाकी सिंपली 1 अपॉन में p, आई बात समझ में, सिंपलीफिकेशन हुई कैंसिलेशन हुई जो कैंसिल हो रहे थे वो टर्म कैंसिल आउट किया।
अब ये दो फ्रैक्शन में चम है प्लस हो रहे हैं, फ्रैक्शन में चम है प्लस हो रहे हैं, तो एलसीएम लेकर प्लस करेंगे, एलसीएम दोनों के डिनोमिनेटर्स जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट है तो दोनों से प्री कंपाइल करेंगे, लेकिन p * q इज दैट्स ओके ठीक। अब देखें फर्स्ट डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट टर्म 1 मल्टीप्लाई बाय इसके बाद में q है, तो एलसीएम जो नंबर है उसको डिवाइड करेंगे q के साथ, q डिवाइड हो गया बाय सिंपली p मल्टीप्लाई बाय प्लस साइन, नेक्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर 1 अपान में p है तो p को डिवाइड करेंगे एलसीएम के साथ, सिंपली यहां पर q रह जाएगा कैंसिलेशन के बाद, q इज मल्टीप्लाई बाय इट्स न्यूमरेटर ओके बच्चों क्लियर है यहां तक ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई p के साथ 1 into p मेक्स सिंपली p प्लस 1 मल्टीप्लाई q के साथ 1 into q मेक्स q होल अपान में p q रिमेंस सेम ठीक, ये वैल्यू आ गई p प्लस q टर्म की ठीक है, ये p प्लस q टर्म की वैल्यू आई तो है मगर ये जो वैल्यू है इन ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन के मुताबिक है ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में चाहिए तो क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे कंप्लीट टर्म को, तो ये होगी p प्लस q इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन सही, ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से सॉल्व हो रहा था सब कंप्लीट प्रॉब्लम, फाइनली आंसर को रेसिप्रोकल करेंगे ताकि hp में कन्वर्ट हो जाए, तो ये देखिए फाइनली हमें ये प्रूव करना था pq / p + q आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, ये प्रूफ करना था, आंसर मिल गया ठीक है बच्चों, तो फाइनली हम कहेंगे हैज प्रूव प्रूफ हो चुका है जो सॉल्व करना था सही है, आई बात समझ लो सिंपल है कोई डिफिकल्ट नहीं, सेम वही जो स्टार्टिंग में अर्थमेटिक वाले प्रॉब्लम सॉल्व किए उसी टाइप का है, मगर यहां पर HP में है तो रेसिप्रोकल टर्म का है फ्रैक्शन में टर्म आ रहे हैं, बस जो ही चेंज है सिंपलीफिकेशन और कुछ भी नहीं, तो गौर से समझिए प्रैक्टिस करें ताकि हर चीज क्लियर हो जाए समझ ठीक है बच्चों, तो अब फाइनली आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें शेयर करें और उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, आप प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझिए सीखें टाइम पे कंप्लीट ओके बच्चों ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी फायदा उठा सके, कोई पैसे नहीं लग रहे शेयर करने में, कोई आपको तकलीफ नहीं हो रही सिंपली शेयर करना है सही है, शेयर करेंगे एंड समझिए ओके स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।